डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, इच्छा है उनको। आपको किसने कहा? खुद उन्होंने कहा। मतलब यदि आपको कहा होगा तो मुझे मालूम नहीं, जानकारी नहीं। मठ मंदिर में पड़े हैं, हम भी तो राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया ये सब देखिए, ये आपकी बातों पर कुछ उन्होंने कह दिया होगा। मैं उपेंद्र जी को जानता हूँ, बहुत अच्छे संजीदगी वाले नेता हैं, और वो पार्टी की जो एकता है और जो महागठबंधन की एकता है उसके बड़े पक्षधर हैं। हम मठ मंदिर के कोई मठाधीश नहीं है कि हम जो है डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, हम भी डिप्टी सीएम बनेंगे। मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं कि आप डिप्टी सीएम। मुझे जानकारी नहीं है इन बातों की, और ये चीज़ें जो होती हैं ये पार्टी के नेतृत्व को फैसला करना होता है, तो इसमें हमसे क्या बयान लेना चाहते हैं। लेकिन क्या दो डिप्टी सीएम रहेंगे बिहार में? इस तरीके का पूछा दो यार मुझे। आप ये बात, अरे किसी की इच्छा है कुछ बनने की तो क्यों उसका विश्लेषण अभी कर रहे हैं? सही समय पर सही जगह पर उसका विश्लेषण होगा। सुशील मोदी जी और उनकी पार्टी को देश में अमन अच्छा नहीं लग रहा है, राज्य में जो शांति है व्यवस्था है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस बीमारी का इलाज हम लोग के पास नहीं। सड़क छाप तरीके से बयान देते हैं, इलाज कराने की जरूरत है क्या उनको? नहीं नहीं, मैंने देखिए सबसे बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रह चुके हैं, और जो उनके बयान है आजकल वो ऐसा लगता है कि अभी अभी पार्टी ज्वाइन करके कुछ अब अपना नाम कमाने के लिए अखबार में छपने के लिए जो देता है बयान, उस तरह के बयान है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा होगा। धन्यवाद। शराब से मौत हुई थी उनके परिवारों से, देखिए मुख्यमंत्री, वो एक कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था जो शेड्यूल था, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, उसके साथ मतलब वो थे। अब कार्यक्रम से निकल के कहीं और, मैंने कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था तो जाना संभव नहीं रहा होगा। अहंकारी और नहीं नहीं अहंकार। अब देखिए, अब इसका ये जो नॉमिनक्लेचर है, कभी उनके ऊपर भी लोग बताया करते थे, जिन्होंने लोग कहते थे कि बहुत मैच्योर्ड, मतलब स्पीकर तो बहुत मैच्योर होता है ना, उस पद पर रहे हो आप, सब लोग को मालूम होगा कि लोग क्या समझते थे। मंदिर के कोई मठाधीश नहीं है कि हम जो है डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, हम भी डिप्टी सीएम बनेंगे। मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं कि आप डिप्टी सीएम। मुझे जानकारी नहीं है इन बातों की, और ये चीज़ें जो होती हैं ये पार्टी के नेतृत्व को फैसला करना होता है, तो इसमें हमसे क्या बयान लेना चाहते हैं। लेकिन क्या दो डिप्टी सीएम रहेंगे बिहार में? इस तरीके का पूछा दो यार मुझे। आप ये बात, अरे किसी की इच्छा है कुछ बनने की तो क्यों उसका विश्लेषण अभी कर रहे हैं? सही समय पर सही जगह पर उसका विश्लेषण होगा। सुशील मोदी जी और उनकी पार्टी को देश में अमन अच्छा नहीं लग रहा है, राज्य में